चलो। चलो और मैंने एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है मेरे पास गैस अटैचमेंट के लिए कि हम सब इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो एक गैस अटैचमेंट है, इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर एक मैनिफोल्ड होता है, जिसके अंदर 5 पॉइंट हम लोगों ने दे रखे होते हैं, और एक राइट साइड में कनेक्शन पाइप की ट्यूब निकली होती है जो हमारी बैक साइड में जाके चली जाती है। तो इसको क्या करना है आपको, जो राइट साइड में ये वाली ट्यूब जो है, ये वाली जो साइड में लगी हुई है, इसको आपको क्या करना है, इस होल से बाहर निकाल के, ये होल है जो बीच में बड़ा सा होल हो रहा है, इससे बाहर निकाल के आपको ये अपने इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट कर देनी होती है। जो तो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना मैन, जैसे किसी के पास PM10 है या कंबाइंड सैप करें तो उसमें कनेक्ट कर दो। राइट साइड में हमारे एक नोजल लगी होती है, वहाँ पर कनेक्ट कर दो उसको। सेकेंड हो गया, अब आपका ये हमको ये कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये गिलास इंपेंडर्स का क्या होता है, बहुत इसका बहुत अच्छा तरीका किया है। देखो ये ग्लास इम्पिंजर का इनलेट है, ये आउटलेट है। ये इनलेट ये है बेसिकली ओपन रखते हैं एम्बिएंट एयर में, ताकि जो एम्बिएंट एयर का जो भी गैसेज है वो उसके अंदर आएगी, अब्जॉर्ब होगी, और जो हम कनेक्शन जो भी करेंगे, वैक्यूम जो भी कनेक्शन करेगा वो इसमें रहेगा, ये ओपन रहेगा इसके अंदर। तो हम जैसे अभी हमारा मैनिफोल्ड है, ये हमारा मैनिफोल्ड जैसे मैंने बताया था, ये 4-5 ट्यूबें निकली हुई है। तो हमको क्या करना है, ट्यूब को लेके हमें इस वाले साइड पर कनेक्ट करना है। हमने ये इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे ये वाला एम्बिएंट एयर में ओपन रखना है, ये वाला ओपन रहेगा। तो ये आपको ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखोगे तो मैंने ये चारों कनेक्ट कर रखे हैं ऐसे ही, ये साइड वाली जो है ना, साइड में होता है, ये वाला एम्बिएंट एयर में ओपन रहेगा, तभी इसके अंदर गैस आके अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये एक हमारा फ्लो मीटर है, रोटामीटर इसको बोलते हैं ना हम लोग। इसके अंदर देखिए एक पाइप है, इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे आपको हर गैसेस के लिए अलग अलग फ्लो रेट सेट करना पड़ता है, सॉक्स के लिए या नॉक्स जो भी कर रहे हैं आपको, तो क्या करना है आपको, इस वाले जो रोटामीटर जो है ये वाला, इसे क्या करना है, इनपिंजर्स के जैसे ये वाला फर्स्ट इनपिंजर जो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो इनलेट वाला पोर्शन है इसको यहाँ लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको फ्लो सेट करना है, इसका कितना एम्पीयर में फ्लो सैंपलिंग करनी है आपको। तो इसके ऊपर देखिए ये मैनिफोल्ड लगे हुए हैं, इसके वॉल्व है, ये कंट्रोल वाल्व। तो आपको क्या करना है, इसको ड्राइवर से इसको इसका फ्लो एडजस्ट कर देना है। तो फ्लो वाल्व देख लेगा कितना फ्लो आ गया, तो इसको एडजस्ट कर चल सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, टाइट करेंगे तो कम हो जाएगा, खोलेंगे तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा इसका। तो ऐसे करते हुए आपको चारों इंपेंजर्स का, जब इसका इसका आपका काम हो जाए, इसका आपने फ्लो सेट कर दिया, सेकेंड में चले जाइए, फिर आप सेकेंड के इनलेट पर लगा दीजिए, सेकेंड के वाल्व से फिर आप कंट्रोल कर दीजिए उसको। फिर उसको निकाल के आपको तो निकालना है थर्ड पे, फोर्थ पे जाके उस पार्ट को ओपन करके निकाल दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि आपका चारों जो इंपल्जे से आपने फ्लो सेट कर दिया सबको चारों का, और आपकी सैम्पलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सिंपल स्टेप बैठा ये। और तो आप उसके बाद ये खाली ध्यान रखना, ये कनेक्टिंग वाला पाइप है, ये आप उसको वहाँ पर कनेक्ट करना है, मतलब नोजल लगी होती साइड में, और ये मैनिफोल्ड है। बस आपको इंपल्जे से कनेक्शन गलत नहीं करने, अगर बाई चांस आपने कनेक्शन गलत कर दिए तो आपको जो केमिकल जो आपने डाला हुआ है वो सारा सारा सक कर लेगा, अंदर चला जाएगा। उसका ध्यान रखना, कभी भी किसी इंपिंजर के अंदर जो हमारा वैक्यूम वाला जो कनेक्ट वो होता है पोर्शन होता है, वो कभी भी आपको यहाँ नहीं लगाना। अगर सपोज कभी भी आपने पंप का किसी कनेक्शन का भी यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा, जिसमें केमिकल में ट्यूब है ना, सारा वो केमिकल चला जाएगा आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा। तो आपको हमेशा इस पोर्शन पर लगाना है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल बता दिया है आपको, और आपको समझ में आ गया। थैंक यू।